सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे साथ रामलीला की जो ऑर्गेनाइजर है, जो कमेटी है रामलीला के, उसकी जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं। और आप मैडम पहले अपना नाम बताइए। मैडम आप कितने साल से डायरेक्शन कर रही हैं 2017 से, यानी आप छः सात साल हो गए। सात साल, तो सात साल से इसी जनकपुरी रामलीला में कर रही हूँ। नहीं कर रही हूँ, पहले मैं असिस्ट करती थी। हाँ जी, प्रेम मटियानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया 2016 में। हाँ जी, पहले मैं 2008 से उनके साथ असिस्ट करती थी, असिस्टेंट डायरेक्टर थी। और 2016 में उनके डायरेक्शन के लिए। तो मैडम आप इतने साल से डायरेक्शन कर रही हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि नेचुरली डायरेक्शन करना कोई ऐसा नहीं है, आसान नहीं है। बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, स्टेज देखना पड़ता है, पीछे बैक स्टेज देखना पड़ता है, और कॉस्ट्यूम देखना पड़ता है, ज्वेलरी देखनी पड़ती है, आर्टिस्ट को देखना पड़ता है। कुछ कहाँ से सीखा आपने, कोई ट्रेनिंग ली थी? हाँ जी, मैंने ट्रेनिंग ली है। पहले मैं श्री राम भारती कला केंद्र में थी, फिर मैंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वहाँ पर भी डायरेक्शन देती हूँ। बस ऐसे सीखा है, थोड़ा काम करती रही इधर उधर। तो आपने एक्टिंग भी की? हाँ जी, एक्टिंग तो मेरा फेवरेट था और तभी इसी लाइन में आए, नहीं तो कैसे आ सकते। वो आप रामलीला में ही एक्ट करते थे? नहीं, थिएटर का, थिएटर में आती। जैसे जितने भी प्ले होते हैं तो उसमें फिर एक्ट किया जाता था। अच्छा, तो मैं स्कूल टाइम से ही करती हूँ। तो आप यहाँ की रामलीला के बारे में बताइए, क्या विशेष बात है यहाँ पे? एक तो ये है कि तीन घंटे में कंप्लीट करते हैं राम जन्म से भी पहले से। हाँ। कि नारद मो जब कैसे ये रामलीला बनी। हाँ। क्योंकि नारद को बड़ा घमंड हो गया था कि मैंने तपस्या करी और अब मैंने सब कुछ जीत लिया। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, अभी आपको ये कितना घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन घमंड ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन विष्णु को मत बताइए, नहीं तो वो कुछ ना कुछ कहानी करेंगे। तो जैसे वो विष्णु को बताते हैं तो वो विष्णु पूरी कहानी फिर वो पूरा रच देते हैं। तो वहाँ से शुरू करते हैं और हम राज्याभिषेक तक, तो 3 घंटे में, 3.5 घंटे। तो कितना मुश्किल काम है जो रामलीला 10 दिन में आप होती है, उसको 3 घंटे में कवर करना है, तो बड़ा मुश्किल काम है। लाइट एंड साउंड के साथ कितने सारे सीन्स होते होंगे एक दिन में? कंटिन्यू में चल रहे हैं हमारे ना, स्टेज ही इतना बड़ा है, 130 का स्टेज है। और 3 स्टेज बनाए हमने, एक इधर चलता है सीन, तो फिर दूसरा वहाँ पे चलता है, तीसरा थर्ड स्टेज पे चलता है, फिर सेकंड स्टेज पे चलता है। कितने सीन है टोटल? तो काफ़ी सीन है मेरे ख्याल से, 30 के करीब सीन है। तो उसको करने में वैसे तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा नहीं है जी। बहुत रामायण हमारा एक धार्मिक चीज़ है, तो धार्मिक है, तो उसमें करने में तो वैसे भी आनंद आता है। तो ये जो आर्टिस्ट हैं सारे दिल्ली के हैं या बाहर से? नहीं, बाहर से हैं। अच्छा। काफ़ी बाहर से हैं। अच्छा। दिल्ली से तो बहुत कम है। अच्छा। मैक्सिमम बाहर से है, तो मतलब पूरे हिंदुस्तान से है, कुछ बाहर से है, कुछ नेपाल से है, कुछ बंगाल से है,
कुछ एक आध श्रीलंका से है। तो कितने टाइम चलती है आपकी ये रिहर्सल? हम लोगों की 2 महीने हम लोग रिहर्सल पहले सिलेक्शन करते हैं आर्टिस्टों की, फिर उनको उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे करवाते हैं एक्टिंग की कहाँ से सीखा है, फिर हमारे रोल के हिसाब से अप टू दी मार्क है या नहीं है वो भी बड़ा देखना पड़ता है, शॉर्ट लिस्ट करते हैं और तब जाके फिर हम एक पूरा प्लान करते हैं बनाने का, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए जो माहौल आजकल का चल रहा है न्यू जनरेशन के लिए, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस रामायण से, जैसे कुछ बच्चे जो मेरे पास आए हैं वो बिल्कुल यंग जनरेशन है, बहुत आपने देखा होगा कॉलेज के बच्चे भी हैं, जो हनुमान बन रहा है वो कॉलेज स्टूडेंट है, कुछ और बच्चे जो लक्ष्मण है वो भी छोटा वो कॉलेज स्टूडेंट है, एक जो विश्वामित्र बन रहा है जो वो भी कॉलेज स्टूडेंट है, और वशिष्ठ जो बहुत बड़े गुरु का रोल कर रहे हैं वो भी कॉलेज स्टूडेंट है, तो उनको ये चीज़ करने में इतना आनंद आ रहा है और वो बड़े सीखने की इच्छा रखते हैं और बार बार क्वेश्चन पिकअप करते हैं, फिर उनको पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये ऐसे था ऐसे, क्योंकि राम जो पुरुषोत्तम राम है वो कैसे पुरुषों में उत्तम बने हैं, पुरुषों में उत्तम होना कैसे है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों का मान रखा, बड़ों का कहना माना, और उनके कहने पे कि 14 साल के लिए घर से बाहर चले जाओ तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, और वो आदर वो संस्कार ही है, तो बच्चों को लगता है अच्छा ऐसा भी था। फिर उनके बाद उन्होंने जैसे शबरी के बेर खाए, क्योंकि आजकल के हिसाब से थी, आजकल तो खैर नहीं है, पुराने ज़माने में तो होता था, पर वो एक बिल्ली थी तो उसके बेर खाए जूठे वो भी, तो उससे भी एक शिक्षा, वो कहती है अच्छा ऐसा है, तो मतलब कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। और हनुमान जो एक बानर किस्म के थे तो उनके साथ उनका प्यार, केवल में प्यार होना चाहिए, आपस में मेल जोल होना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करनी है, ये बच्चे शिक्षा मिलती है और बच्चे करते हैं एक दूसरे को बहुत, और इन्होंने यहाँ से ये सीखा है और सीख भी रहे बच्चे, तो इससे बड़ा शिक्षा क्या हो सकती है पब्लिक के लिए कि इस ये जो जगह है, आपको पता है यहाँ 100-125 आर्टिस्ट हैं और पीछे टेलर बैठते हैं, प्रेस वाले बैठते हैं, ये प्रोडक्शन मतलब जो सेट बनाते हैं वो इतने, तो 60-70 लोग तो वही हैं, तो हमारा तो 200-250 लोग हैं और सब लोगों का एक दूसरे के साथ बड़ा कोऑर्डिनेशन है, बहुत प्यार भाव है, तो इससे बड़ी शिक्षा है कि कैसे मिलजुल के काम करना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय राहुल। हाय रिचा। अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल तुम्हें NCL इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596.